For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से करने के बाद अपनी स्पेशलाइजेशन यानी FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान से गायने ऑब्स में की और अरसा तकरीबन 20 साल से मैं इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। आज मरहम के फोरम के थ्रू मैं आपको एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में कुछ अवेयरनेस देना चाहती हूँ। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ 1000 में से 6 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि मिर्गी या एपिलेप्सी के मर्ज़ में मुब्तला हैं और इसके लिए वो दवा ले रही हैं या वह दवा के बग़ैर ही वो कंट्रोल्ड हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी ऐसा मर्ज़ नहीं है जो ट्रीटेबल ना हो। हाँ, इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि हमें मालूम होना चाहिए कि अगर एक पेरेंट जो है वो एपिलेप्टिक है, चाहे वो ड्रग्स ले रहा है या नहीं ले रहा, यानी वो दवा पे है या नहीं है, 4% इम्कानात ऐसे हैं कि उनका बच्चा एपिलेप्टिक हो। और अगर खुदा ना खास्ता दोनों पेरेंट्स ही एपिलेप्सी के मर्ज़ में हैं तो 14% चांस है कि बच्चा भी एपिलेप्टिक होगा। बच्चों में नकाइस 2-5% तक हो जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कटा हुआ तालू, कटा हुआ अपर लिप होता है। उसके अलावा दिल के मराइज़ हैं, दिमागी अमराज हैं, बिहेवियरल और डेवलपमेंटल डिलेज आ जाते हैं बच्चों में। ये बच्चे IQ के लिहाज से बाकी बच्चों के निस्बत पीछे रह जाते हैं। सो ये वो नकाइस हैं जो कि एपिलेप्सी के मर्ज़ में मुब्तला पेरेंट्स के बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। अब हमें इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। यानी एक कपल जब प्रेगनेंसी को प्लान कर रहा है तो तकरीबन 3 माह पहले उसे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करना चाहिए और वो गायनेकोलॉजिस्ट उसको पूरी तरह हिस्ट्री एग्जामिनेशन करने के बाद, साथ ही माहिर इमराज़ आसाब से रुजू करने के बाद, उसकी दवा को ऑल्टर किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। वो खातून एक से ज़्यादा अद्वियात भी ले सकती है। सो हमें चाहिए कि अगर वो पिछले 2 साल या उससे ज़्यादा उसे कोई दौरा नहीं पड़ा, कोई फिट नहीं पड़ा, तो उसके नंबर ऑफ़ मेडिकेशंस को कम कर दिया जाए और अगर वो एक दवा ले रही है तो उस मिनिमम डोज पे आ जाए जिस पे कि उसका कंट्रोल अच्छा चल रहा है। इसके अलावा एक वाइटमिन है फॉलिक एसिड, वो ज़रूर ऐड कर देना चाहिए आपको अपने खुराक में। ये तो हो गई प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। अब जैसे ही वह खातून कंसीव करती हैं, उन्हें चाहिए कि फौरन किसी करीबी बड़े अस्पताल में अपने आप को बुक करवाएं। बुक करवाने का मकसद ये है कि उनकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली जाएगी, उनके दोबारा से अद्वियात को रिव्यू किया जाएगा। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, 18वें हफ्ते के ऊपर उनका एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा जिसमें बच्चे की बनावट को ख़ास तौर पे देखा जाएगा। इसी तरह 24 हफ्ते के दौरान एक और अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा जिसमें बच्चे की दिल की बनावट को देखा जाएगा। मकसद यही है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ऐसे किसी किस्म के नुक्स को पिक कर लिया जाए और साथ ही फॉलिक एसिड वो जारी रखेंगी अपनी बाकी अद्वियात के साथ साथ। हर 3 महीने बाद वो दोबारा अपनी अद्वियात को माहिर इमराज़ आसाब से भी इवेलुएट करवाएंगी। सो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, उसके आखिरी महीने में हम विटामिन के की गोली भी एक ज़रूर ऐड कर देते हैं ताकि बच्चे में कोई खून के नकाइस पैदा ना हो, जो डिलीवरी के बाद, जिसे हम हेमरेजिक डिज़ीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं, वो खुदा ना खास्ता वो डेवलप ना कर लें। अच्छा, जब डिलीवरी की बात होती है तो मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला खातून के लिए ज़रूरी नहीं कि वो ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवर हो, वो नॉर्मल भी डिलीवर हो सकती है अगर डिलीवरी सब कुछ नॉर्मल जा रहा है। लेकिन लेबर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, खातून वैसे भी एग्जॉस्टेड होती है, वो स्लीप डिप्राइव्ड होती है, सो उसके ज़्यादा चांस होते हैं कि खुदा ना खास्ता उसको दौरा ना पड़ जाए। उसके दौरान उसको क्लोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि उसे एक अच्छी फैसिलिटी में, एक अच्छे सेटअप में डिलीवर होना चाहिए। डिलीवरी के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऐसी माँ को दूध पिलाना चाहिए कि नहीं। इसका जवाब है हाँ। 2-5% तक वो दवा जो ले रही हैं मदर, वो दूध में आएगी, लेकिन उस मदर को गाइड किया जाता है कि उसकी दवा
और दूध पिलाने का टाइमिंग क्या होना चाहिए। माँ का दूध बच्चे का पैदाइशी हक है और उसको उससे हम छीन नहीं सकते, सो इस मदर को भी अलाउड है, लेकिन साथ उसे थोड़ा सा गाइड किया जाता है, वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठे, अपने इर्द गिर्द कुशंस और पिलोज रखे, ताकि खुदा न खास्ता अगर उसको फिट पड़ता है, दौरा पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान ना हो। इसके साथ साथ ऐसे कपल को चाहिए कि अपनी अगली प्रेगनेंसी को स्पेस करे, यानी 2 से 3 साल का वक्फा रखे। हमारे पास डेटा और एविडेंस मौजूद है कि 50% खवातीन दौरान प्रेगनेंसी कोई अपने वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स डेवलप नहीं करती, लेकिन 37% ऐसी खवातीन हैं जिनके प्रेगनेंसी के दौरान दौरा पड़ने का, फिट पड़ने का चांस बढ़ जाता है, और 13% ऐसी हैं जिनका चांस कम हो जाता है। सो एक खातून को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसकी एपिलेप्सी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी कैसे बिहेव करेगी। हम सिर्फ और सिर्फ उसको क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी अद्वियात को, उनकी डोज को और नंबर ऑफ मेडिकेशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप ख़ुद कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप काइंडली मरहम के फोरम पर आकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं।